हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर में पूछे हुए जितने भी MCQs होंगे उसको कवर करूंगा, उसको डिस्कस करूंगा मैं। ये होगा ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। राइट, बेसिक ऑफ द ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड जितने भी MCQs आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, डिफरेंट AE एग्जाम्स में या फिर JE एग्जाम्स में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में, जहां कहीं भी क्वेश्चंस आए बेसिक से रिलेटेड, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जैसे ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वोल्टेज रेगुलेशन के क्वेश्चंस को डील करेंगे, लॉसेस के क्वेश्चंस को डील करेंगे या फिर एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो मैं पार्ट वाइज इसको मैं लेके चलूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कहता है, कैन अ 50 हर्ज ट्रांसफॉर्मर बी यूज्ड फॉर 25 हर्ज इफ द इनपुट वोल्टेज इज मेंटेन्ड कॉन्स्टेंट एट द रेटेड वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50 हर्ज। क्या हम एक 50 हर्ज के ट्रांसफॉर्मर को 25 हर्ज पे यूज कर सकते हैं, जबकि उस ट्रांसफॉर्मर का जो इनपुट वोल्टेज है वो उतना ही होगा जितना कि 50 हर्ज ट्रांसफॉर्मर के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी रेटेड वैल्यू है। राइट, ये है क्वेश्चन का मीनिंग। तो यहां पर आप इसको कैसे डील करोगे, जो EMF इंड्यूस होता है ट्रांसफॉर्मर में, E इज इक्वल टू वॉट, रूट टू पाई एफ फाई एम इनटू नंबर ऑफ टर्न्स n। ये जो EMF इंड्यूस होता है ये नियर अबाउट अप्लाइड वोल्टेज होगा। अप्लाइड वोल्टेज जो V है, जो इनपुट वोल्टेज हम ट्रांसफॉर्मर का लेंगे V, वो इक्वल तो नहीं होता बट नियर अबाउट हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो और जो इंड्यूस्ड EMF है इन द प्राइमरी साइड, वो ये दोनों हम नियर अबाउट इसको हम लेके चलते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाइ एम इंटू एन। राइट, अब इसने क्या कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ज का ट्रांसफॉर्मर है तो उसके फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, हाफ कर दिया है। 50 हर्ज के ट्रांसफॉर्मर को हमें ऑपरेट कराना है 25 हर्ज पर, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, हाफ हो गई। राइट, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इसका फ्लक्स है, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा, वोल्टेज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शन वोल्टेज, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा फ्रीक्वेंसी के। राइट, अब इसमें आपको ये देखना है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है V, वो तो कांस्टेंट है, अप्लाइड वोल्टेज इज कांस्टेंट एट रेटेड वैल्यू, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ कर दिया है। दिस इज वॉट, इसको आपने 1/2 कर दिया है, हाफ। तो जब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी तो व्हाट अबाउट द फ्लक्स, फ्लक्स विल गेट डबल्ड। राइट, फाइ एम टू इज इक्वल टू फाइ एम वन इंटू टू। ये फर्स्ट केस में जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू का 2 times हो जाएगा सेकेंड केस का मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। राइट, यानी कि जब आप इस ट्रांसफॉर्मर को 25 हर्ज पर ऑपरेट कराओगे तब जो कोर में फ्लक्स होगा वो रेटेड फ्लक्स का डबल हो जाएगा। राइट, और जब कोर में रेटेड फ्लक्स का डबल वैल्यू का फ्लक्स उसमें फ्लो करेगा तो जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगा। राइट, और जब कोर सैचुरेट हो जाएगा तो आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शन बी में गिवन है नो, फ्लक्स विल बी डबल्ड विच विल ड्राइव द वायर टू एक्सेसिव सैचुरेशन। जो कोर है वो हमारा सैचुरेट हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, 50 हर्ज के ट्रांसफॉर्मर को 25 हर्ज पे ऑपरेट नहीं कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कहाँ कहाँ पूछा गया है, महाराष्ट्र PSC AE 2019 में और ESE 1993 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज वन विच हैज वॉट। आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में हमें बताना है, वॉट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड आप लिखोगे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस होता है वो होगा 0,
जो इसमें कॉपर लॉस होगा वो भी होगा जीरो, और जब कॉपर लॉस जीरो होगा तो आप इसको लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का वो हो जाएगा कितना, जीरो, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे, इसमें लीकेज फ्लक्स नहीं होंगे, नो लीकेज फ्लक्स, नो लीकेज फ्लक्स, और जब इसमें लीकेज फ्लक्स नहीं होगा तो नो लीकेज रिएक्टेंस, राइट, नो लीकेज रिएक्टेंस। लीकेज रिएक्टेंस इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम कोर की परमिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो कोर की परमिएबिलिटी म्यू, म्यू क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होगा, या फिर आप कहो तो जो कोर का रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो। ये सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट आइडियल ट्रांसफार्मर। अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन हैज नो लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस, ना तो इसमें लॉस होता है और ना ही इसमें लीकेज रिएक्टेंस होता है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी को भी देख लो, ऑप्शन बी में गिवन है डज नॉट वर्क, क्या आइडियल ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता क्या, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में गिवन है आइडियल ट्रांसफार्मर हैज लो एफिशिएंसी, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी में हैज द सेम नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म्स, दिस इज ऑल्सो इररिलेवेंट ऑप्शंस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। देखिए, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन इज वॉट, यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, बी, फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर। अब देखो, हायर फ्लक्स डेंसिटी मींस व्हाट, जब आप फ्लक्स डेंसिटी को हाई करोगे, यानी कि जब आप बी की वैल्यू को हाई करोगे, बी की वैल्यू को आपको हाई रखनी है, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन होता है, दिस इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मशीन होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर, सो फाई तो हमारे फाई को तो हमें कॉन्स्टेंट रखना है, तो व्हाट अबाउट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी लेस फॉर हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को जब आप कम करोगे तो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम एक ऐसा कोर ले लेते हैं, ये जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, एक दूसरा कोर ले लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, यहां से आप देख रहे हो जो सेकेंड कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इस कोर का वेट भी ज्यादा होगा, राइट। लेकिन हमें हायर फ्लक्स डेंसिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हमें किस चीज की जरूरत है, लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया की जरूरत है, यानी कि जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कोर होगा उसे हम पिक करेंगे, राइट। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो इस कोर का जो ट्रांसफार्मर बना गया होगा, बनाया गया होगा जिस कोर से, उस कोर का वेट कितना होगा, कम होगा, राइट, वेट कम होगा। तो इसमें ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है डिक्रीजेस द टोटल वेट पर केवीए, इंक्रीजेस द टोटल वेट पर केवीए, डिक्रीजेस द वेट ऑफ आयरन पर केवीए बट इंक्रीजेस दैट ऑफ कॉपर, डिक्रीजेस द वेट ऑफ कॉपर पर केवीए बट इंक्रीजेस दैट ऑफ आयरन। देखो सिंपल सा है, ऑप्शन ए इसका होगा, इसका होगा करेक्ट आंसर, डिक्रीजेस द टोटल वेट पर केवीए, ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग 1000 प्राइमरी टर्न्स इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट एसी सप्लाई, 1000 प्राइमरी टर्न्स है, 250 वोल्ट के एसी सप्लाई से इसको कनेक्ट किया गया है। फॉर अ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स शुड बी व्हाट, एक ट्रांसफार्मर है, दिस इज अ ट्रांसफार्मर, ये इसका प्राइमरी है, प्राइमरी में वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है, 250 वोल्ट,
ट्रांसफॉर्मर का जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में इसको कितना वोल्टेज चाहिए? सेकेंडरी वोल्टेज इसमें गिवन है 400 वोल्ट, 400 वोल्ट। अब यहां पर इसने कहा है, कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 1000। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में N1 और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिख दिया N2, राइट। सो इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो टर्न्स का रेशियो होता है वही वोल्टेजेस का रेशियो होता है। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा कि N1 डिवाइडेड बाय N2, प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, राइट। आपको N1 की वैल्यू गिवन है ना, N1 इज इक्वल टू व्हाट, 1000 डिवाइडेड बाय N2, N2 हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द V1, प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है 250, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना है 400। अब हमें यहां से N2 को फाइंड आउट करना है, इस रिलेशन से हमें N2 को फाइंड आउट करना है। सो N2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 250। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 टाइम्स 400 इंटू 4, इट मीन्स 1600। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जो हमारा सेकेंडरी के टर्न्स होंगे उसमें कितने नंबर्स होंगे, टर्न्स नंबर कितना होगा, 1600। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रांसफॉर्मर विथ अ 110 वोल्ट प्राइमरी हैज अ 15:1 टर्न्स रेशियो, द लोड रेसिस्टेंस आर एल इज 120 ओम, वॉट इज द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ठीक है, देखिए इसने क्या कहा है, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स रेशियो गिवन है 15:1, एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न्स रेशियो 15:1 है, फिफ्टीन इज टू वन। यहां पर अगर 15 टर्न्स हैं तो इस साइड में वन टर्न होगा, तभी तो इसका रेशियो हो गया ना 15:1, राइट। और प्राइमरी साइड में इसने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना है, प्राइमरी साइड में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो गिवन है कितना, 110 वोल्ट, दिस इज 110 वोल्ट, प्राइमरी साइड का अप्लाइड वोल्टेज। द लोड रेसिस्टेंस इज 120 ओम। अब देखो जो हमारा सेकेंडरी साइड है वहां पर एक लोड हमने कनेक्ट किया है, रेसिस्टिव लोड, जिसकी वैल्यू इसने दी है 120 ओम। अब इसने पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, अब इस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, यानी कि ये वोल्टेज हमें V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी साइड में चाहे आप 120 ओम का लोड लगाओ, या फिर आप 200 ओम का लोड लगाओ, या फिर 10 ओम का लोड लगाओ, या फिर आप उसको ओपन ही छोड़ दो, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज तो सेम होगा, राइट। यदि मैं वोल्टेज रेगुलेशन को इग्नोर कर दूं तो वोल्टेज रेगुलेशन का एक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंस आता है, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज में डिफरेंस आता है, लेकिन यदि मैं अभी वोल्टेज रेगुलेशन को कंसिडर ना करूं तो जो भी इसने लोड गिवन है इस लोड का यहाँ पर कोई भी रिलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टर्न्स रेशियो से रिलेटेड है, राइट। जो ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो है उसकी हेल्प से आप सेकेंडरी साइड का वोल्टेज फाइंड आउट करोगे, यानी कि लोड वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना हो। सो V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू प्राइमरी साइड का वोल्टेज विच इज 110 डिवाइडेड बाय टर्न्स रेशियो विच इज 15:1। सो 110 डिवाइडेड बाय 15 वोल्ट, ये हो जाएगा V2 की वैल्यू। 110 डिवाइडेड बाय 15 इट मीन्स 7.33, व्हाट इज दिस, दिस इज 7.33 वोल्ट। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है 7.3 वोल्ट, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहां तो कोई डाउट तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइंड टू ऑपरेट फ्रॉम 50 हर्ट्ज 1100 वोल्ट सप्लाई एंड टू हैव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट एट नो लोड।
The core has mean area of 30 centimeter square and the flux density has not to exceed 1.3 tesla. The number of secondary turns will be what? इसने क्या गिवन है? इसमें आपको दिया गया है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू गिवन है ना. फ्लक्स डेंसिटी हैज नॉट टू एक्सीड 1.3 टेस्ला, यानी कि बीएम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 1.3 टेस्ला. सो बीएम को हम कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट. क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे दिया गया है ना. द कोर हैज मीन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहां पर आप मिस्टेक मत करना, जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, उसको आप सेंटीमीटर में ही रहने मत दो, ठीक है. क्योंकि जो हमारा टेस्ला होता है, जो यूनिट है टेस्ला, वो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होता, ठीक है. जो फ्लक्स आएगा फ्लक्स किस में होगा, फ्लक्स होगा वेबर में, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो होना चाहिए मीटर स्क्वायर में, तभी वेबर पर मीटर स्क्वायर इट मीन्स टेस्ला होगा, राइट. यानी कि हमें क्रॉस सेक्शन एरिया को लिखना है मीटर स्क्वायर में. ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, 30 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है. इसको मैंने ऐसे लिख दिया. अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है. फाइव एम इज इक्वल टू वॉट, 1.3 टेस्ला इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज 30 × 10⁻⁴. इतना वेबर का फ्लक्स होगा. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 1.3 × 30 ना, और ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 39. दिस इज इक्वल टू 39 × 10⁻⁴ वेबर. ये फाइव एम की वैल्यू तो आपको मिल गई. आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स विल बी वॉट. सेकेंडरी में कितने टर्न्स होंगे, और सेकेंडरी का वोल्टेज भी आपको दिया गया है. सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, लिखा है टू हैव एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 240 वोल्ट, राइट. सो आउटपुट वोल्टेज वी टू के बारे में गिवन है. वी टू के बारे में कितना गिवन है, 240 वोल्ट. और वी टू को हम लिखते कैसे हैं, ये होता है रूट टू पाई एफ फाइव एम इंटू एन टू, और हमें एन टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो एन टू को हम कैसे लिखेंगे, एन टू विल बी इक्वल टू 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय रूट टू पाई फ्रिक्वेंसी एफ इंटू फाइव एम. ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, 240 डिवाइडेड बाय रूट टू पाई, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 50 और फाइव एम की वैल्यू कितनी गिवन है, फाइव एम हमने कैलकुलेट किया था, ये 39 × 10⁻⁴. कैलकुलेट कर लीजिए इसको. रूट टू पाई इंटू 50 इंटू 39 10⁻⁴ को न्यूमेरेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा. इट मीन्स 240 डिवाइडेड बाय दिस 10⁴, ये हो जाएगा 277. कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, 277. ऑप्शंस को चेक कर लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है 277. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा है, द मैक्सिमम फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 5 एम, वेयर प्राइमरी वोल्टेज इज वी एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ. इफ द प्राइमरी वोल्टेज इज 2V एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ बाय 2, द फ्लक्स विल बी वॉट. यहां पर देखिए, वोल्टेज का रिलेशन फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होता है, V इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ इंटू फाइव एम इंटू एन, राइट. यहां से आप फाइव एम को क्या लिखोगे, फाइव एम को आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, ऐसे लिखोगे, राइट. यानी कि आप यहां से लिख सकते हो कि फाइव एम इज इक्वल टू 1 constant K, कोई एक कांस्टेंट लगा दो के, इनटू वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. ऐसे हम लिख सकते हैं फाइव एम को. ओके, अब इसने क्या कहा है,
इसने कहा है कि वोल्टेज इज वी एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ, देन मैक्सिमम फ्लक्स इज फाइव एम. ओके, अब इसने वोल्टेज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2V कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को इसने हाफ कर दिया है. वोल्टेज को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया, इट मींस फाइव एम इज इक्वल टू के फाइव एम टू लिख देता हूं. दूसरे केस में जो फ्लक्स हो जाएगा, वोल्टेज को डबल कर दिया तो क्या लिखूंगा, 2V, फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया f बाई टू. सो इसको आप क्या लिख सकते हो, k इंटू वी बाई एफ इंटू, ये क्या हो जाएगा 4. अब k इंटू वी बाई एफ इसको आप क्या लिखते हो, ये हो जाएगा 5m, फर्स्ट केस का 5m, राइट. इंटू क्या करना है, इंटू ये हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू वॉट, दिस इज इक्वल टू 5m2. तो सेकेंड केस का जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है, 5m into 4, 4 times of previous flux, right? So option A में given है 4 into 5m, option A will be the correct answer for this question, right? अब हम next question को देखते हैं, question number 8 में क्या कहता है, a 200 by 100 volt 50 hertz transformer is to be excited at 60 hertz from the primary side without increase in excitation current. इसको ध्यान से देखना, without increase in excitation current. एक 50 hertz का transformer है जिसको हम 60 hertz से excite कर रहे हैं. Frequency को हमने क्या किया, increase कर दिया. But इसमें statement भी लिखा हुआ है, without increase in excitation current. Excitation current को increase नहीं करना है, it means फ्लक्स को इंक्रीज नहीं करना है, राइट. एक्साइटेशन करंट या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको इसने कहा है कि इसको इंक्रीज नहीं करना है. इट मींस व्हाट, जब इसको इंक्रीज नहीं करना है, इट मींस जो इसका फ्लक्स होगा, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा. हमें उसको कांस्टेंट ही रखना है, 5m को हमें कांस्टेंट रखना है, राइट. 5m को कांस्टेंट रखना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को हमें इंक्रीज करना है. कहाँ से, 50 हर्ट्ज से हमें इंक्रीज करके 60 हर्ट्ज तक लेके जाना है. फ्रीक्वेंसी को तो हमने इंक्रीज कर दिया, फ्लक्स को हमने चेंज नहीं किया. देन द वोल्टेज टू बी अप्लाइड एट प्राइमरी इज व्हाट, वोल्टेज टू बी अप्लाइड एट प्राइमरी इज व्हाट. प्राइमरी पे तब वोल्टेज कितना अप्लाई होगा, ये देखो, यहां से वोल्टेज इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ 5m into n. नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम होंगे, एक बार ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होगा. रूट टू इंटू पाई, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, राइट. यानी कि वोल्टेज को आप लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स. ओके, फ्लक्स को आपने कहा कि फ्लक्स को रखना है कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं करना है, ठीक है. फ्लक्स को हम चेंज नहीं करेंगे, तो वोल्टेज यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया फ्रीक्वेंसी के, राइट. आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज कर दिया, तो व्हाट अबाउट द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को भी आपको इसी रेशियो में इंक्रीज करना होगा. इट मींस यहां से मैं लिखूंगा कि जो V2 डिवाइडेड बाय V1 ये होगा, वो F2 डिवाइडेड बाय F1 के इक्वल होगा. 1 और 2 मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि 1 को मैं कंसिडर करूँगा प्रीवियस केस और 2 को मैं कंसिडर करूँगा न्यू केस, राइट. सो यहाँ पर देखो, V2 हमें फाइंड आउट करना है. V2 मींस न्यू वोल्टेज, जो दूसरा केस है जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, 60 हर्ट्ज कर दिया, तब का जो वोल्टेज है वो. V2 मींस सेकेंडरी का वोल्टेज एज्यूम मत कर लेना, ठीक है. सो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 अपॉन F1 इंटू V1 इज इक्वल टू, F2 मीन्स न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है 60 डिवाइडेड बाई F1 है ओल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू V1 है ओल्ड वोल्टेज. प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना था, 200 वोल्ट. कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 60/50 यानी कि 6/5 इंटू 240 क्या हो जाएगा, ये 240 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 240 वोल्ट यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. इसको देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है, इन अ ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड नियर द कोर इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स सो एज टू व्हाट। देखो जो हमारे कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स होते हैं उसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम कोर के नज़दीक में रखते हैं और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसको हम दूर में रखते हैं, है ना। आफ्टर आफ्टर इंसुलेशन ऑफ एलवी साइड वाइंडिंग उसके बाद हम उसको रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ, दिस इज कोर, ये है ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर के कोर के बाद हम क्या यूज करते हैं, इसके बाद हम यूज करेंगे लो वोल्टेज की वाइंडिंग, सॉरी लो वोल्टेज का इंसुलेशन। पहले इंसुलेशन लगाएंगे, दिस इज इंसुलेशन, एलवी इंसुलेशन, इस साइड भी, इस साइड भी होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज लो वोल्टेज इंसुलेशन। इसके बाद क्या होगा, लो वोल्टेज इंसुलेशन के बाद होगा लो वोल्टेज साइड की वाइंडिंग, ओके। इसके बाद होगी वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये है एलवी वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग के बाद क्या रखोगे, इसके बाद हाई वोल्टेज साइड का इंसुलेशन होगा, हाई वोल्टेज साइड का इंसुलेशन। इस कलर की विजिबिलिटी थोड़ी सी लो होगी, देख लेना, इस साइड भी होगा, एच वी साइड का इंसुलेशन, दिस इज इंसुलेशन, एच वी इंसुलेशन। अब एच वी साइड के इंसुलेशन के बाद हम रखेंगे एच वी साइड की वाइंडिंग, राइट। सो ये है एच वी साइड की वाइंडिंग्स, इस साइड में, ठीक है। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं उसके बारे में इसने पूछा है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है उसमें लो वोल्टेज साइड की जो वाइंडिंग होती है वो कोर के पास क्यों होती है, नहीं कोर के पास होती है उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं ट्रांसफार्मर में। स्टेटमेंट वन में कहा है रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, क्या लीकेज फ्लक्स को इससे कुछ लीकेज फ्लक्स कुछ कम होगा क्या, अगर आप एलवी साइड को पास में रखो कोर के पास में, या फिर दूसरे केस में आप एचवी साइड को कोर के पास में रख दो, क्या लीकेज फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा, इसके बारे में सोचना, ठीक है। तो इसके लिए आप ये देखो कि एलवी साइड और एचवी साइड के बीच में जो इंसुलेशन है, ये जो इंसुलेशन है एचवी साइड का इंसुलेशन है ना, एचवी साइड का इंसुलेशन, एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन हम डालते हैं एचवी साइड का इंसुलेशन, उसका थिकनेस के बारे में सोचो कि जब आप एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखोगे उसके बाद एचवी वाइंडिंग का इंसुलेशन डालोगे उसके बाद एचवी वाइंडिंग की वाइंडिंग्स डलेंगी, राइट। दूसरा केस आप ऐसा एज्यूम कर लो कि जो एचवी वाइंडिंग की जो एचवी वाइंडिंग है वो कोर के पास होगा उसके बाद इंसुलेशन होगा उसके बाद एलवी वाइंडिंग होगा, राइट। दोनों ही केस में एचवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन होगा ना वो एचवी वाइंडिंग का ही इंसुलेशन होगा, राइट। एचवी इंसुलेशन होगा यानी कि वो थिकर होगा दोनों ही केस में, चाहे आप एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखो या फिर एचवी वाइंडिंग को कोर के पास रखो, जब दोनों वाइंडिंग को सेपरेट करने की बात आती है ना तो दोनों वाइंडिंग के बीच में जो इंसुलेशन लगेगा वो थिकर इंसुलेशन होगा, चाहे आप कहीं भी वाइंडिंग रखो, ठीक है। जब दोनों ही केस में थिकर इंसुलेशन ही यूज होगा, सेम थिकनेस का इंसुलेशन यूज होगा, तो लीकेज फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना लीकेज फ्लक्स एलवी वाइंडिंग के कोर के पास रखने में होगा उतना ही एचवी वाइंडिंग को कोर के पास रखने में होगा, ठीक है। तो इट मींस लीकेज फ्लक्स पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो स्टेटमेंट वन है कि रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं, इसने कहा है रिड्यूस द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, हाँ इंसुलेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम हो जाएगी। जब आपने एलवी वाइंडिंग को कोर के पास रखा
तो एलवी वाइंडिंग और कोर, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का कोर है उसके बीच में जो इंसुलेशन आपने डाले हैं एलवी इंसुलेशन, वो पतला सा इंसुलेशन है। क्यों? क्योंकि कोर और एलवी वाइंडिंग को ही तो सेपरेट करना है ना, तो वो जो इंसुलेशन है वो बहुत ही थिन इंसुलेशन है एज कंपेयर टू एचवी वाइंडिंग इंसुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने एलवी इंसुलेशन लगाया है, इट मीन्स आपने थिन इंसुलेशन लगाया है। लेकिन जैसे ही आप एचवी वाइंडिंग को कोर के पास रखना चाहोगे, तो एचवी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर का कोर उसके बीच में जो इंसुलेशन लगेगा वो तो थिकर होगा, राइट? तब वैसे केस में क्या होगा, कोर और एचवी वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन भी थिकर होगा और एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन भी थिकर होगा। दोनों इंसुलेशन हमारा थिकर यूज होगा, उसमें ज़्यादा इंसुलेशन यूज होगा। तो जब हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास रखते हैं तो इसमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट नंबर टू है, रिड्यूस द इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ वोल्टेज शॉक इन केस ऑफ इंसुलेशन ब्रेकडाउन, ये भी सही है। जब इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, यदि एलवी साइड की वाइंडिंग कोर के पास होंगी, तो अगर वोल्टेज का शॉक लगता है कोर के अकॉर्डिंग, कोर में, तो वो तो लो वोल्टेज का शॉक होगा, है ना? लो वोल्टेज शॉक होगा अगर लो वोल्टेज वाइंडिंग उसके पास है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होंगे तो जो वोल्टेज का शॉक होगा वो ज़्यादा होगा। सो स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, रिड्यूस द कोर लॉस। इसको वाइंडिंग को, वाइंडिंग का जो ओरिएंटेशन है उससे कोर लॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसने क्या कहा है, व्हेन अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है उसको हमें ऑपरेट करना है 50 हर्ट्ज पे, तो इट्स केवीए रेटिंग इज व्हाट। जो केवीए रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, एस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वोल्टेज के, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, राइट? और वोल्टेज किसके प्रोपोर्शन होता है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के, राइट? वी इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन, राइट? तो वोल्टेज जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और जो केवीए रेटिंग है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या किया है, आपने 400 हर्ट्ज से रिड्यूस कर दिया है फ्रीक्वेंसी को, कितना रिड्यूस किया है, 400 से आपने 50 इसको किया है, फ्रीक्वेंसी को 400 से 50 कर दिया, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी को 1/8 कर दिया। वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी हो जाएगा 1/8, केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/8, राइट? सो व्हाट अबाउट द केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग रिड्यूस्ड टू 1/8, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड व्हाट, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड व्हाट। जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल होता है उसका क्या फंक्शन है ट्रांसफार्मर में, उसका दो फंक्शन है, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना। एक मैंने वीडियो बनाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक था, उसमें मैंने आपको ट्रांसफार्मर का दिखाया था, इंटरनल पार्ट दिखाया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो किनके किनके बीच में होता है, कोर और एलवी वाइंडिंग के बीच में होता है, फिर एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग के बीच में भी होता है ना? तो वो जो ऑयल है वो हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिखाया था इंसुलेशन, यहाँ दिखाया था ना, ये एलवी वाइंडिंग का इंसुलेशन, एचवी वाइंडिंग का इंसुलेशन। इसमें क्या है कि जब आप कोर और लो वोल्टेज साइड की वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग को जब आप थोड़े से नज़दीक रखते हो, तो उसके बीच में जो गैप होगा, गैप कम है तो उसके अंदर जो ऑयल आएगा ऑयल कम आएगा, तो इंसुलेशन कम हो जाएगा, राइट? और जो एलवी वाइंडिंग है और एचवी वाइंडिंग है उन दोनों के बीच में जो गैप है, गैप हम ज़्यादा रखते हैं, जब हम गैप ज़्यादा रखेंगे तो उस गैप में क्या होगा, ऑयल फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब हम उस ट्रांसफार्मर के कोर को उसकी बॉडी के अंदर डालेंगे, ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर, आप उस वीडियो को देखना, उसमें मैंने पूरा ओपन था, ट्रांसफार्मर को ओपन किया हुआ था,
प्रैक्टिकल वीडियो था, ओपन किया हुआ था और मेंटेनेंस के लिए आया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, वहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, आप फिजिकली उसको आप देख के ऑब्जर्व करना कि वहाँ पर एलवी बाइंडिंग और कोर के बीच में जो गैप है वो कम है, एलवी बाइंडिंग और एचवी बाइंडिंग के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है। ज़्यादा गैप होने की वजह से उसमें उसमें जो ऑयल आएगा वो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ऑयल आएगा इट मीन्स उसमें इंसुलेशन होगी ज़्यादा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल है उसका क्या क्या काम है? एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना है और दूसरा कूलिंग प्रोवाइड करना है, राइट। वाइंडिंग्स तो हीट अप होंगी, उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उसमें पावर लॉस तो होगा। जब पावर लॉस होगा तो वाइंडिंग गर्म होंगी, गर्म होंगी तो उसको कूल करने के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों पर्पस है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजेशन करंट एट द सेम लेवल, द वी बाय एफ रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी व्हाट? इसने क्या कहा है? मैग्नेटाइजेशन करंट आई एम को आपको क्या रखना है? सेम लेवल पर रखना है, इट मीन्स आपको आई एम की वैल्यू को फिक्स्ड रखना है। आई एम की वैल्यू को जब आप फिक्स्ड रखना चाहते हो, इट मीन्स जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स है उसको आप फिक्स्ड रखना चाहते हो, उसको कांस्टेंट रखना चाहते हो। फिक्स्ड मीन्स व्हाट? आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हो, मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो। तो इसके लिए V बाय एफ रेशियो को क्या करोगे? V इज इक्वल टू होता है रूट टू पाई एफ फाई एम इन टू एन। नाउ इस F को यदि मैं इस साइड डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? V बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्लक्स फाई एम। जब आप आई एम को फिक्स रखोगे, इट मीन्स फ्लक्स फाई एम को फिक्स रखोगे, और जब हमारा फाई एम फिक्स हो जाएगा यानी कि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो व्हाट अबाउट द वी बाय एफ रेशियो? ये जो रेशियो है, रेशियो भी क्या होगा? फिक्स्ड हो जाएगा। रेशियो भी आपको फिक्स्ड रखना होगा। देखो, रेशियो फिक्स करने का क्या मतलब है? रेशियो फिक्स करने का मतलब है कि अगर जो आप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को भी इंक्रीज करनी होगी, सेम रेशियो में आपको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। आप अप्लाइड वोल्टेज को इंक्रीज करो, नो डाउट आप करो। आप अगर जो अप्लाइड वोल्टेज को 50% ऑफ रेटेड वोल्टेज से इंक्रीज करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन साथ में आपको जो उसका फ्लक्स है उसको भी 50% ऑफ रेटेड फ्लक्स से इंक्रीज करना होगा, तब रेशियो हमारा सेम हो गया, वी बाय एफ सेम हो गया, तो फ्लक्स उसमें सेम रहेगा, राइट। तो वी बाय एफ को फिक्स करने का ये मतलब है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, वी बाय एफ रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर शुड बी फिक्स्ड, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। LMRC AM असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट था 2020 में एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इन लेंज लॉ द इंड्यूस्ड TMF E अपोजेस द व्हाट? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड EMF होता है E वो क्या होगा? E इज इक्वल टू होता है एन डी फाई अपॉन डी टी। एक तो ये होता है एन डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर हम एक माइनस साइन भी यूज करते हैं, राइट। माइनस साइन ऑलवेज यूज नहीं होता, ये जब आप पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करोगे तो आपको समझ में आएगा। जनरली आपको लिखा हुआ मिलता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन माइनस साइन हम तभी लगाएंगे जब हम ये शो करेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है और इंड्यूस्ड TMF की पोलैरिटी क्या है, तब हम वहां पर लगा सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अप्लाइड वोल्टेज की पोलैरिटी दी गई है और जो इंड्यूस्ड TMF है उसकी पोलैरिटी कुछ और दी गई है, तो अब आप यहाँ पर माइनस साइन नहीं भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी, राइट। बट ठीक है, यहां पर जनरली आपको माइनस साइन देखने को मिलेगा जब वहां पर पोलैरिटी मेंशन नहीं होती है, तो तब आपको माइनस साइन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो माइनस साइन है ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि ये अपोज करता है ना। अब इसका जो अपोजिशन है किसकी वजह से है? डी फाई अपॉन डी टी की वजह से है। व्हाट इज डी फाई अपॉन डी टी? डी फाई अपॉन डी टी इज व्हाट? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से ऐसा होता है। इन लेंज लॉ इंड्यूस्ड TMF E अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को ये अपोज करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, और उसी
उसी की वजह से जो वाइंडिंग्स होती हैं उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब फ्लक्स में चेंज होगा तो वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एसी ट्रांसफार्मर, उसमें हम डीसी प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते डीसी प्रोवाइड? क्योंकि डीसी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो डीसी के प्रोवाइड करने से जो उसका फ्लक्स होगा, फ्लक्स तो हो जाएगा कॉन्स्टेंट, और जब फ्लक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट तो डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा जीरो, राइट? तो वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, समझ रहे हो? आप इसको ऐसे देख लो, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, ये इसकी वाइंडिंग्स है, राइट? आपने यहां पर वी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, अप्लाइड वोल्टेज आपने रख दिया वी। अब यहां जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, राइट? ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसमें होना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तब प्राइमरी साइड के प्राइमरी साइड से जो करंट इसमें ड्रॉ किया जाएगा, उस करंट की वैल्यू को देखो तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज वी माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय कुछ रेसिस्टेंस होगा इस पूरे होल वाइंडिंग का, जो रेसिस्टेंस होगा ये। अब वी और ई ये दोनों नियर अबाउट होते हैं, एक दूसरे के लगभग इक्वल होते हैं, या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है, राइट? बहुत ही मिनिमम डिफरेंस होता है। तो जब इन दोनों का डिफरेंस मिनिमम हो तो जो करंट की वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम होती है, लेस करंट इसमें फ्लो करते हैं, ठीक है? ट्रांसफार्मर हमारा सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप वी वोल्ट का डीसी अप्लाई करोगे, तो जब आप इसमें डीसी अप्लाई करते हो तो डीसी के केस में क्या होगा, डीसी के केस में फ्लक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट, डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा जीरो, और जब डी फाई अपॉन डी टी जीरो हो जाएगा तो ई एम एफ इंड्यूस होगा क्या, उसमें वाइंडिंग में ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगा जीरो। यानी कि यहाँ जो ई की वैल्यू है डीसी के केस में वो हो जाएगा जीरो, और जब ई की वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ई की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो तो व्हाट अबाउट द करंट, इनपुट करंट, ये हो जाएगा वी अपॉन आर। वोल्टेज हाई है, रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता वाइंडिंग का, व्हाट अबाउट द करंट, करंट विल बी वेरी वेरी हाई, और जो कि क्या कर देता है, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग को बर्न कर देता है, ट्रांसफार्मर को डैमेज कर देता है, ठीक है? ये डिसएडवांटेज है, इसी वजह से हम उसको डीसी सप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है? खैर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अमंग द फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मर हैविंग लार्जेस्ट साइज इज वॉट, इनमें से कौन से ट्रांसफॉर्मर का जो साइज है वो लार्ज साइज है, ट्रांसफॉर्मर का लार्जर साइज किस पे डिसाइड किया जाएगा, ट्रांसफॉर्मर का लार्जर साइज कौन डिसाइड करेगा? देखो, लार्जर साइज के लिए जो ट्रांसफॉर्मर का फ्लक्स डेंसिटी है बी एम, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, फाइव एम डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट? फाइव एम डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो जाएगा बी एम, राइट? अब हम बात करते हैं कि अगर जो लार्जर साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगर आपको चाहिए, लार्जर ट्रांसफॉर्मर के लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लार्जर ट्रांसफॉर्मर, इसके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी मोर, राइट? और क्रॉस सेक्शन एरिया जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू को क्या करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी, है ना? ए की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट? और जब फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होने से जो फ्लक्स है, फ्लक्स की वैल्यू को आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी टू कीप बी एम कॉन्स्टेंट। फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि जब आप फ्लक्स की डेंसिटी को इंक्रीज करोगे इट मींस आप कोर को सैचुरेट कर रहे हो, राइट? अगर जो आप जो बी एम है, फ्लक्स डेंसिटी, उसको यदि आप इंक्रीज करोगे तो इट मींस आप उसको सैचुरेट कर रहे हो, उसको अगर जो बी एम की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो इट मींस आप इस पूरे ट्रांसफॉर्मर को डीरेट कर रहे हो, उसकी जो कैपेसिटी आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। तो बीएम के साथ नहीं खेलना, क्या करना है, अगर आपको लार्जर ट्रांसफॉर्मर बनाने हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी मोर, तो फ्लक्स की वैल्यू होगी ज़्यादा, राइट? और जब फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू फ्रीक्वेंसी, है ना? फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी।
यहां पर आपने क्या किया है, आपने फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस, शुड बी लो, राइट। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जितनी कम होगी फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, और जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा और जो ट्रांसफार्मर है उसका साइज ज़्यादा होगा, लार्जर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। लार्जेस्ट साइज के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए कम, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसमें जो केवीए रेटिंग है वो तो सबका सेम है, फ्रीक्वेंसी जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज, इसकी वजह से 25 हर्ट्ज 250 केवीए का जो ट्रांसफार्मर होगा उसका साइज इन तीनों ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ऑप्शन ए, राइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, क्वेश्चन नंबर 15, देखो रीड करिए इसको। 230 डिवाइडेड बाय 115 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज इट्स एलवी साइड रेजिस्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट। एलवी साइड का रेजिस्टेंस है 0.06 पर यूनिट, राइट। द रेजिस्टेंस रेफर्ड टू एचवी साइड इज व्हाट। देखिए ट्रांसफार्मर का एचवी साइड, ट्रांसफार्मर का एलवी साइड, वोल्टेज इस साइड का होगा डिफरेंट, वोल्टेज इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एच वी साइड और एल वी साइड के जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस हैं दोनों साइड में, इधर भी डिफरेंट होगा और इधर भी डिफरेंट होगा, दोनों साइड डिफरेंट होगा। जो करंट है डिफरेंट है, डिफरेंट है। जो रेसिस्टेंस है दोनों साइड का डिफरेंट है, राइट। ये सारी चीज़ें तो डिफरेंट हैं, लेकिन जब हम पर यूनिट की बात करते हैं तो पर यूनिट में V पर यूनिट जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, सेम। पर यूनिट में वोल्टेजेस सेम, करंट इन पर यूनिट सेम, दोनों साइड सेम होगा। रेसिस्टेंस इन पर यूनिट दोनों साइड में सेम होगा, यानी कि जितना रेसिस्टेंस पर यूनिट में एलवी साइड गिवन है उतना ही रेसिस्टेंस पर यूनिट में एचवी साइड में होगा। लेकिन रेसिस्टेंस को जब आप ओम में लिखोगे तब एलवी साइड का रेसिस्टेंस अलग होगा, एचवी साइड का रेसिस्टेंस अलग होगा, राइट। दोनों वाइंडिंग का रेसिस्टेंस अलग होगा, जब आप उसको रेफर करके आते हो तो भी दोनों साइड का जो रेसिस्टेंस है वो तो डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन जब हम पर यूनिट में बात करते हैं तो दोनों साइड पर यूनिट वैल्यू होती है सेम, ओके। पर यूनिट वैल्यू दोनों साइड होगा सेम, यानी कि यहाँ पर एल वी साइड में इसने लिखा है 0.06 पर यूनिट, तो एच वी साइड में कितना होगा 0.06 पर यूनिट, इतना ही रेसिस्टेंस होगा एच वी साइड में, एच वी साइड 0.06 पर यूनिट, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन यहाँ पर ए को मार्क मत कर देना, ठीक है, ए इसको मार्क मत कर देना, टर्न्स रेशियो स्क्वायर से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि रेफर टू एच वी साइड में क्या करते हैं, हम टर्न्स रेशियो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तब करते हैं जब रेसिस्टेंस की वैल्यू ओम में गिवन हो। अगर यहाँ पर ऐसा गिवन होता कि जो एल वी साइड का रेसिस्टेंस है आर एल वी इज इक्वल टू 0.06 ओम गिवन होता ओम में, तब इसको यदि हम रेफर करते एच वी साइड में आर एच वी, तो क्या होगा, ये होगा टर्न्स रेशियो ए का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस 0.06, और यहाँ पर टर्न्स रेशियो कितना है 230/115, यानी कि टर्न्स रेशियो है 2, तो 2 का स्क्वायर इट मींस 0.06 इट मींस व्हाट 0.24 ओम, तब इसका आंसर होता 0.24 ओम, अगर ओम में गिवन होता तो। यहाँ पर यूनिट में है दोनों साइड सेम होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी। हाईएस्ट रिलेटिव परमिटिविटी किसकी है, म्यू आर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है,
म्यू आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा, इनमें से ट्रांसफर ऑयल की, एपॉक्सी रेजिन, माइका या फिर वाटर, इन सब की, इन सब में म्यू आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है? वाटर की है। वाटर की म्यू आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो ट्रांसफर ऑयल हम यूज़ करते हैं बिकॉज उसका रिलेटिव परमिटिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, उसका रिलेटिव परमिटिविटी उसकी ज़्यादा नहीं है, राइट। और ठीक है, जो वाटर है उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसका पर्पस ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी को देखना नहीं होता ना, इसका होता है इंसुलेशन और कूलिंग, राइट। यहाँ पर वाटर, वाटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा मत देखना कि ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है उसमें वाटर और ट्रांसफॉर्मर ऑयल है तो फिर ट्रांसफॉर्मर ऑयल हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऐसा मत सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू व्हाट? कोर को यूज करने का मेन पर्पस क्या है? डिक्रीज आयरन लॉस, एलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, रिलक्टेंस को रिड्यूस करना है, प्रिवेंट एडी करंट लॉस। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पर जो हम कोर यूज करते हैं, कोर इसलिए यूज करते हैं सो दैट हमारा रिलक्टेंस कम हो जाए, फ्लक्स के पाथ में जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस जो होता है वो कम हो जाए। रिलक्टेंस कम हो जाएगा इट मीन्स जो परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वेट, मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक, मैंने यहाँ पर म्यू आर लिखा है, म्यू आर इसका ज़्यादा नहीं होता, एप्सिलॉन आर ज़्यादा होता है, परमिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, एप्सिलॉन आर इसकी ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इन अ 400 बाय 230 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज व्हाट? देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग कुछ भी गिवन हो, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, एचवी साइड भी और एलवी साइड भी, ट्रांसफार्मर के दोनों साइड, दिस इज एचवी एंड दिस इज एलवी, दोनों साइड में ईएमएफ पर टर्न सेम होता है, राइट, ईएमएफ पर टर्न सेम होता है, यानी कि यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1 पर टर्न, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए? N1, तो E1 अपॉन N1, यानी कि प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि ये क्या हुआ, ईएमएफ पर टर्न, और सेकेंडरी साइड का ईएमएफ इंड्यूस्ड E2 पर टर्न, यानी कि डिवाइडेड बाय N2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे सेम होंगे? यहां से आप रिलेशन तो जानते हो गए, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, राइट, यही तो रिलेशन है ये, ओके। सो ईएमएफ पर टर्न चाहे एलवी साइड का हो या फिर एचवी साइड का हो, दोनों साइड सेम होता है, और इसने क्या पूछा है, ईएमएफ पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय ईएमएफ पर टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, तो दोनों जब सेम है उसको हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, राइट, ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, 1, ओके। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, इन द ट्रांसफॉर्मर सर्किट शोन इन द गिवन फिगर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड द टर्न्स रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी शुड बी व्हाट? यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर गिवन है, इसमें हमें लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने हैं, तो लोड में जब हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करते हैं, नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं इसको कि इफ दिस इज सोर्स रेसिस्टेंस और यहां पर है एक सोर्स वोल्टेज VS, इसके साथ हम यहां पर लोड रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं RL,
तो यदि हमें लोड रेसिस्टेंस RL में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने हो तो लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, 4 पी मैक्स मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, RL शुड बी इक्वल टू RS, जो लोड रेसिस्टेंस है उसको RS के इक्वल होना चाहिए, 4 मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब यहां पर देखो, ये जो सर्किट गिवन है इसमें ये तो दो सर्किट है, दो अलग अलग सर्किट है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो अलग अलग सर्किट है तो इसको एक सर्किट बनाएंगे। इट मींस जो लोड वाली साइड है उसको हम रेफर करके लेके आएंगे HV साइड, राइट। तो इसको जब हम एक सर्किट बनाएंगे तो कैसा होगा, यहां पर अप्लाइड वोल्टेज, यहां पर रेसिस्टेंस विच इज 900 ओम, और यहाँ पर जो लोड रेसिस्टेंस है 100 ओम, इसको जब हम रेफर करके लाएंगे प्राइमरी साइड तो इसको हम कैसे लिखेंगे, टर्न्स रेशियो स्क्वायर। यदि मैं इसको ए मान लूँ कि टर्न्स रेशियो ए है तो ए स्क्वायर इंटू व्हाट, 100, ये हो जाएगा इस रेसिस्टेंस की वैल्यू। ओके, रेफर होके आ गया। अब देखिए, आपको ये जो लोड रेसिस्टेंस है यही तो है ना, लोड यही है। इस लोड में मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये जो लोड रेसिस्टेंस है इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 900 ओम के इक्वल। सो आप लिखोगे दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 900 ओम। सो यहां से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से आप लिखोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ए इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू आप लिखोगे 3, और ए क्या होता है, प्राइमरी साइड टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड टर्न्स, राइट। जो टर्न्स रेशियो है वो प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी का, यानी कि मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू व्हाट, N1 डिवाइडेड बाय N2। ओके, सो इसने क्या कहा है, द टर्न्स रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी शुड बी व्हाट, जितने नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में होंगे उसका 1/3 टर्न्स होना चाहिए सेकेंडरी में, तभी तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। N1 अपॉन N2 की वैल्यू 3 होगी, राइट। सो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है ना, है ना, ऑप्शन ए में गिवन है 300:100। यदि प्राइमरी साइड में 300 टर्न्स हो और सेकेंडरी साइड में 100 टर्न्स हो तो इसका टर्न्स रेशियो क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अ 200x2000 volt सिंगल फेज 50 Hz ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 20 ओम रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर रेफर टू प्राइमरी साइड। देखिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस ट्रांसफॉर्मर का हमें फाइंड आउट करना है रेफर टू प्राइमरी साइड। तो ये कैसे करते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड इज इक्वल टू होगा प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R1 प्लस सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस R2 रेफर टू प्राइमरी साइड, यानी कि R2 डैश। ठीक है, प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम, प्लस R2 डैश को हम कितना लिखेंगे, सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको जब हम रेफर करेंगे प्राइमरी साइड तो ये क्या हो जाएगा, टर्न्स रेशियो स्क्वायर। यहाँ पर 200/2000 ये है इसके वोल्टेज का रेशियो, यानी कि टर्न्स का रेशियो होगा प्राइमरी इज टू सेकेंडरी का, इसका करेंगे स्क्वायर इंटू कर देंगे R2 की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। सो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 प्लस ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 1/100 इंटू 20। इट मींस ये कितना हो जाएगा, 5.2, दिस इज 5.2 ओम। ओके, 5.2 ओम, इट मींस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ 10 kVA 200x2000 volt ट्रांसफॉर्मर इज फीडिंग अ लोड रेसिस्टेंस ऑफ 2.5 पर यूनिट बेस्ड ऑन द रेटिंग्स ऑफ HV साइड। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ लोड रेसिस्टेंस रेफर टू LV साइड इज व्हाट,
इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है, मैं यहां पर दोनों मेथड बता देता हूं। टू मेथड्स आर देयर। देखिए फर्स्ट मेथड आप क्या करोगे इसमें, फर्स्ट मेथड इसने कहा है कि जो एच वी साइड है, एच वी साइड में जो लोड रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 2.5 पर यूनिट। तो जो पर यूनिट में वैल्यू गिवन है उसको आप क्या करोगे, एक्चुअल रेसिस्टेंस में फाइंड आउट कर लोगे, एक्चुअल में, राइट। सो आर पर यूनिट क्या होता है, आर पर यूनिट होता है रेसिस्टेंस इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस, राइट, जेड बेस। अभी जो पर यूनिट गिवन है वो है एच वी साइड में, तो दिस इज 2.5 जो पर यूनिट है, तो रेसिस्टेंस इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस, जेड बेस कहाँ का होगा, एच वी साइड का होगा, क्यों, क्योंकि 2.5 इसने गिवन है एच वी साइड रेफर किया हुआ, ठीक है। जेड बेस ऑफ एच वी साइड ये क्या होगा, जेड बेस ऑफ एच वी साइड होगा वोल्टेज ऑफ एच वी साइड स्क्वायर, लिख ही देता हूँ इसको, जेड बेस, जेड बेस एच वी साइड, ये क्या होगा, एच वी साइड का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के वी ए रेटिंग एस। एच वी साइड का वोल्टेज रेटिंग कितना है 2000, तो 2000 का करोगे स्क्वायर, डिवाइड करोगे के वी ए रेटिंग से विच इज 10 के वी ए, यानी कि 10 × 10⁻³। ओके, कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 400। व्हाट इज दिस इज 400 ओम, जेड बेस की वैल्यू हमें मिली है 400। तो आर इन ओम कितना फाइंड आउट करोगे, आर इन ओम ये हो जाएगा 2.5 × जेड बेस, जेड बेस है 400, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1000 ओम, है ना, ये है 1000 ओम। 1000 ओम जो रेसिस्टेंस आपको मिला है वो किस साइड मिला है, एच वी साइड मिला है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने एच वी साइड की है ना, तो रेसिस्टेंस हमारा है रेफर टू एच वी साइड। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है लोड रेसिस्टेंस रेफर टू एल वी साइड, एल वी साइड में रेसिस्टेंस कितना होगा, तो आर रेफर टू एल वी साइड इज इक्वल टू, एल वी साइड में रेसिस्टेंस कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाय 2000 इसका होल स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस की वैल्यू विच इज 1000, तो कितना हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर, यानी कि 1/100, 1/100 इनटू 1000, इट मींस 10 ओम, 10 ओम इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। रेसिस्टेंस, लोड रेसिस्टेंस रेफर टू एलवी साइड इज 10 ओम। एक तो ये मेथड था, सेकंड मेथड में आप ऐसे कर सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू पर यूनिट में गिवन हो तो एलवी साइड भी उतनी होती है, एचवी साइड भी उतनी होती है। इसने लिखा है रेसिस्टेंस की वैल्यू इन पर यूनिट 2.5 पर यूनिट बेस्ड ऑन रेटिंग्स ऑफ एचवी साइड, तो एचवी साइड की रेटिंग के बेस पर 2.5 पर यूनिट है, एलवी साइड की रेटिंग के बेस पर भी कितना होगा, 2.5 पर यूनिट ही होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि आर पर यूनिट किस साइड का, एलवी साइड का, इज इक्वल टू व्हाट, 2.5 पर यूनिट, डायरेक्ट। रेसिस्टेंस इन पर यूनिट पता है, विच इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इन ओम डिवाइडेड बाय जेड बेस। अब यहां पर जो जेड बेस है वो आप लो वोल्टेज साइड का जेड बेस लिखोगे, क्योंकि 2.5 अब हमें कंसिडर करना है एलवी साइड का रेफर किया हुआ, ठीक है, एलवी साइड में ये पर यूनिट की वैल्यू है, तो जेड बेस हो जाएगा एलवी साइड का। अब यहाँ पर जेड बेस एलवी साइड का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एलवी साइड का वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस, यानी कि के वी ए। सो एलवी साइड का वोल्टेज कितना है 200 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय के वी ए विच इज 10 KVA, 10 × 10⁻³। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 4 ओम हो जाएगा, राइट। जेड बेस एलवी साइड का है 4 ओम, ओके। तो रेसिस्टेंस कितना फाइंड आउट होगा, रेसिस्टेंस
एल वी साइड का इज इक्वल टू 2.5 पर यूनिट इंटू जेड बेस 4 इज इक्वल टू वॉट 10 ओम। रेसिस्टेंस आपको मिल गया 10 ओम। देखो कितना शॉर्टकट है, दिस इज सेकेंड मेथड। तो आप चाहे तो फर्स्ट मेथड से सॉल्व करो या फिर सेकेंड मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए 10 ओम, ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा है? एज्यूमिंग लीकेज फ्लक्स टू बी नेग्लिजिबल व्हेन एचवी साइड ऑफ अ सिंगल फेज 100 वोल्ट बाय 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट 25 हर्ट्ज एसी सोर्स। 100 वोल्ट से क्या किया गया है? 50 वोल्ट को कनेक्ट किया गया है और जो 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है उसको हम सप्लाई दे रहे हैं 25 हर्ट्ज से। देन द कोर फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज व्हाट? कोर फ्लक्स, फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वोल्टेज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही होता है, राइट? वोल्टेज को इसने क्या किया है? वोल्टेज पहले था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रेटिंग है। वोल्टेज अप्लाई कितना किया गया? 50 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज को हाफ कर दिया गया है। फ्रीक्वेंसी की रेटिंग कितनी है? 50 हर्ट्ज, लेकिन अप्लाई कितना किया गया? 25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को भी हाफ कर दिया गया। तो जब हमने वोल्टेज को हाफ किया, फ्रीक्वेंसी को भी हाफ किया, तो वी बाय एफ का जो रेशियो है वो हो गया कॉन्स्टेंट, राइट? वोल्टेज को आपने डिक्रीज कर दिया और उसी रेशियो से फ्रीक्वेंसी को भी डिक्रीज कर दिया, तो वी बाय एफ का रेशियो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। जब वी बाय एफ का रेशियो हो गया कांस्टेंट, तो व्हाट अबाउट द फ्लक्स? फाइ एम विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्लक्स होगा इस ट्रांसफॉर्मर, राइट? सेम एज दैट ऑफ रेटेड फ्लक्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रीड करिए, द डिग्री ऑफ हमिंग, डिग्री ऑफ हमिंग लेवल ऑफ द नॉइज कॉज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर मे बी रिड्यूस्ड बाय। देखो ट्रांसफॉर्मर में जो हमिंग साउंड होते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से होते हैं, राइट? अब उसको सही करने के लिए, उस नॉइज को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है? सिर्फ उसके जो वोल्ट्स होते हैं, जो वोल्ट होते हैं उसको टाइट कर देना। जो जो कोर होता है ना, जो ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है, वो एक्चुअली क्लैम्प्ड होते हैं, बहुत सारे नट एंड वोल्ट्स उसमें लगे होते हैं, उन सभी को सिर्फ उसको टाइट कर देना होता है, राइट? सो क्या होगा? टाइटनिंग ऑफ कोर बाय क्लैंप्स, राइट? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ अ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज किया गया 50% से एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 50%। वोल्टेज को क्या किया गया है? इंक्रीज किया गया है बाय 50%, यानी कि वी को इंक्रीज करके कर दिया गया 1.5 टाइम्स ऑफ वी, ओके। फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया है ना, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 50%। इट मींस पहले जो फ्रीक्वेंसी थी f, अब उसको क्या किया गया? 0.5 f कर दिया गया है। तो इस ये क्या पूछता है? द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल व्हाट? कोर फ्लक्स डेंसिटी पूछता है, तो कोर फ्लक्स डेंसिटी bm इज इक्वल टू फाइव एम बाई ए। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो जितना चेंज फ्लक्स में होगा उतना ही चेंज फ्लक्स डेंसिटी में होगा, राइट? तो हमें क्या करना है? फ्लक्स में कितना चेंज होगा उसको फाइंड आउट कर लेना है। सो फाइव एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन एफ। वोल्टेज को आपने क्या किया है? वोल्टेज को आपने कर दिया है 1.5 टाइम्स ऑफ वी, और फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया है? इसको किया है 0.5 टाइम्स ऑफ एफ। सो 1.5 अपॉन 0.5, इट मींस व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ वी बाय एफ हो गया। यदि मैं फाइ एम को कहूँ वी बाय एफ, तो 3 इंटू वी बाय एफ को मैं क्या कहूँगा? 3 टाइम्स ऑफ फाइ एम, यही कहूँगा ना, 3 टाइम्स ऑफ फाइ एम, ओके। जो रेटेड फ्लक्स था उससे 3 टाइम्स इसमें फ्लक्स आ जाएगा।
ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन ए में गिवन है चेंज टू 3 times द ओरिजिनल वैल्यू, राइट। इसमें जो फ्लक्स में चेंज आएगा वो 3 times होगा, तो फ्लक्स डेंसिटी भी 3 times हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए चेंज टू 3 times द ओरिजिनल वैल्यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वोल्टेज को प्राइमरी टू सेकेंडरी हमें ट्रांसफॉर्म करना है, इफ वी पी अपॉन वी एस, प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इज के, इसका रेशियो गिवन है के, प्राइमरी साइड का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज इज इक्वल टू गिवन है के। तो इसने क्या कहा है, व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, अच्छा वोल्टेज को हम प्राइमरी से सेकेंडरी हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, प्राइमरी से हम सेकेंडरी में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी से जब हम सेकेंडरी में ट्रांसफर करेंगे तो प्राइमरी को हम क्या लिखेंगे, वीपी, प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, वेट वेट वेट, प्राइमरी टू सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज ऐसे लिखो, सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीपी अपॉन के हो जाएगा, है ना, सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय के, तो डिवाइडेड बाय के यानी कि ऑप्शन बी। व्हेन वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, जब प्राइमरी से आप सेकेंडरी में ट्रांसफर करोगे तो प्राइमरी जो वोल्टेज होगा उसमें आप के से डिवाइड कर दोगे तब आपको सेकेंडरी का वोल्टेज मिलेगा, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।